क्या खबर लाए हो दीनानाथ? कल गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया है, उसकी वजह से हमारे सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और अंग्रेज सरकार ने दफा 144 लगा दी है ताकि 4 से ज्यादा आदमी एक साथ जमा ना हो सके। और साथ ही ये हुक्म दिया है कि तिरंगा लहराने वाले को गोली मार दी जाए। तो फिर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए दफा 144 तोड़ना पड़ेगा और तिरंगा झंडा लहराना पड़ेगा। Surround them! Hey, stop it! तुमको मालूम है सेक्शन 144 लगा हुआ है? मालूम है। फिर फ्लैग नीचे उतारो। ये झंडा नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, चाहे इसके लिए हम सबको अपनी जान देकर ऊपर क्यों ना जाना पड़े। तुम्हारा फ्लैग लगाना जुर्म है। तुम्हारे राज में तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी जुर्म है ऑफिसर। हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानते क्योंकि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हम तुमसे लेकर आएंगे। शराब हम तुमको गोली मारेगा। तिरंगी सरकार के पास कोई ऐसी गोली नहीं जो एक देश प्रेमी के सीने को पार कर सके। तुम लोग समंदर को जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहे हो ऑफिसर, और हम सब लोगों ने हवा की तरह आजाद रहने का फैसला कर लिया है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती ऑफिसर। इंकलाब! 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 Surround them! Shut up, you dogs! Shut up, you Indians! Go away! बहुत बोलता था इनकलाब जिंदाबाद, अभी भी बोलेगा? तब भी बोला था, अब भी बोलूंगा, और मरते दम तक मेरे खून का एक एक कतरा चीख चीख कर बोलेगा, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। शट अप यू डॉग्स। इनकलाब। अभी भी बोलेगा इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। अभी भी बोलेगा? हाँ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।
दोस्तों, आज हमारा देश आजादी की सांस ले रहा है। इस आजादी को दिलाने में हजारों देश प्रेमियों ने अपने खून का बलिदान दिया है। इन हजारों देश प्रेमियों में से एक देश प्रेमी हमारे बीच है और वो देश प्रेमी है मास्टर दीनानाथ। अब मैं हमारे नेता द्वारका प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शुभ हाथों से दीनानाथ जी का सम्मान करें। कितनी भाग्यशाली हूं कि आप जैसे महान और देशभक्त पति मिला। भारती, मर्द की तरक्की में औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है, जानती हो? पिताजी, इस मेडल की कीमत क्या होगी? बेटे, आज तक इसकी कोई कीमत नहीं लगा सका। मुन्नी, कितना बुखार है इसे? 102। लगता है मेरा टूर पर जाना अब। नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं जो हूँ, आप राजू स्कूल के बच्चों को लेकर टूर पे हो आइए। चलो 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 चलो। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? स्कूल के कमरों में बंदूकें रखवा रहा। बंदूक? आपने मास्टर जी से आज्ञा ली है इस बात? हम इस गांव के ठाकुर हैं। ये स्कूल भी हमारा बनवाया हुआ है। तुम्हारा पति मास्टर दीनानाथ हमारा नौकर है और मालिक नौकरों से आज्ञा नहीं लेते। मेरे पति स्कूल में बच्चों के मासूम दिलों में देश प्रेमी बनने के लिए भावना जगाते हैं और आप इसी पवित्र स्थान में देश से गद्दारी करके देशद्रोहियों के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। वाह, तारे का सारा घर देशभक्त है। मियां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा और बीवी अंग्रेजों के वफादारों के साथ। पकड़ लो इसे, इसे और इसकी बेटी को। नहीं, बॉम्बे भेज दो शेर सिंह के पास। ठाकुर साहब, ले जा, ले जा। नहीं, ले जा। ये ठीक नहीं कर रहे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, जब मास्टर जी आएंगे तो आप क्या कहेंगे? ये लो, ले लो मास्टर, रिश्वत नहीं, तुम्हारा हिस्सा है। अरे उठा लो मास्टर, लोग तो रो रो कर हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से ब्याज पर पैसा मांगते हैं और तुम्हें तो मुफ्त में मिल रहा है। हेलो, हेलो। कल बंदूकें वहां से उठवा ली जाएंगी और तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत घर पहुंचा दिए जाएंगे। हैंड्स अप। अरे बेटे, लगता है तू सचमुच किसी दिन मेरी जान लेके छोड़ेगा। अगर आप मेरे मास्टर को डराएंगे तो मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा। हम तुम्हारे मास्टर जी को डरा नहीं रहे बेटे, हम तो उन्हें पैसे की कीमत समझा रहे हैं। ले जाओ इसे, जाओ मास्टर जाओ। कभी हमारी भी बात मान के देख लो, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। Thank you.
आपके 5,000 रुपए, 2% के हिसाब से एक दिन का ब्याज होता है 3 रुपए एक आना, 3 रुपए वो रहे और ये रहा एक आना। इसका मतलब ये है कि इन पैसों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं। कीमत बहुत है ठाकुर साहब, और इतनी कि अगर मैं सारी जिंदगी काम करूं तो भी इतने रुपए नहीं कमा सकता। लेकिन ठाकुर साहब, जो कुछ आप मुझसे खरीदना चाह रहे हैं वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। और वो है तुम्हारा ईमान। चलो यही सही, अगर हमारी दौलत तुम्हारा ईमान नहीं खरीद सकती तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारा ईमान तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाता। मुझे कहीं पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपको जेल जरूर पहुंचाएगा। यकीन नहीं आता तो जरा इधर देख लीजिए। हम आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं। मैं तो जेल जा रहा हूं, छूट के वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदगी भर अपनी बीवी और बच्चे को देख नहीं पाओगे। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? तुम गद्दार हो, तुम देश प्रेमी का ढोंग रचाते आए हो, तुम देशद्रोही हो। बंदूकें स्कूल में तुमने छुपाई थी। कौन कहता है स्कूल में बंदूकें मैंने छुपाई थी? कल तुम लोग कहोगे मैंने अपनी बीवी और बच्ची को भी कहीं गायब कर दिया। कौन कहता है ये सब? अरे मैं कहता हूं, इन लोगों ने तुम्हारे आदमी को बंदूकें छुपाते हुए देखा है और तुमने हमारे भोले भाले ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें पुलिस के हवाले करा दिया। क्यों, मैं ठीक कहता हूं कि नहीं? ठीक कह रहे हो, ये झूठ है। अरे चुप रहो मास्टर, देखते क्या हो, जला दो इस घर को। नजदीक मत आना, मुझे तेरे साये तक से भी नफरत है। इस साये से मोहब्बत कर ले, तेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। थाम ले मेरा हाथ। तुझ जैसे इंसान का हाथ थामने से पहले मैं मौत का हाथ थामना बेहतर समझती हूँ। मौत का हाथ तो तेरे उस आदर्शवादी देश प्रेमी पति ने थाम लिया है जिसे गांव वालों ने मार मार के बाहर फेंक दिया है। झूठ, तू झूठ बकता है, गाँव वाले उन्हें कभी नहीं मार सकते। अरे मार क्या नहीं सकते, मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 5 साल पहले अगर तू मेरी बात मान गई होती तो ये दिन देखना तुझे कभी नसीब नहीं होता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान, मेरे साथ चल, तुझे इस गंदी बस्ती से निकाल के महलों पहुंचा दूंगा मैं। कभी नहीं, मेरा दिल, मेरा विश्वास कहता है मेरे पति कभी नहीं मर सकते और तू कभी नहीं बच सकता। एक ना एक दिन पुलिस वाले मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, तब तू क्या करेगा? उतार ये साड़ी और पहनिए कपड़ा, नहीं तो तेरी बच्ची को मैं जान से मार डालूंगा। हट, पहनती हूँ, मुझे बच्ची दे दे। मास्टर जी, ये कपड़े और ये मंगलसूत्र आपकी बीवी के हैं? आई एम सॉरी, हमें दरिया से सिर्फ यही मिला है। मैं ये ले जाता हूं। सुनिए, मैं आपके बचपन का दोस्त हूं, अगर रहने के लिए कोई घर नहीं हो तो मेरा। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह तो मिल ही जाएगी।
भाग गई और तुम लोगों को पता तक नहीं चला है? गीता, भारती, तू? हाँ गीता, आ अंदर आ, आ? खत नहीं, तार नहीं, खबर कर दी होती तो मैं स्टेशन पे लेने आ जाती। अरे हाँ, मास्टर जी कहाँ हैं? नहीं, वो बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए आना पड़ा। अरे हाँ, ये तो बुखार से तप रही है, तू फिकर न कर, मैं भी उनसे कहकर किसी डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ, तू बैठ जा। हाँ गीता, साथ में मास्टर जी नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। भारती, भारती कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। भारती, भारती, गीता, तकदीर ने तुझे कोई औलाद नहीं दी है, आज मैं अपनी गोद सुनी करके अपनी औलाद तेरे हवाले करती हूँ, इसे अपनी औलाद समझकर पालना, मुझ पे बहुत एहसान होगा। अब इसका मुझसे दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे माय गॉड। कौन है? मैं हूँ भारती। ए, आउट आउट आउट, कम ऑन, लेट्स गो। आजा आजा भारती, आजा बैठ मेरे साथ झूले पे, बैठ। अब देख, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। सच? तेरी कसम। एक बार मेरा हाथ पकड़ा, छोड़ेगा तू नहीं? अरे जान दे दूंगा, मगर तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ला, दे हाथ। ले, थाम। ये क्या हो गया? कोड़। कोड़? हाँ कोड़। तेरी उस गंदी बस्ती के कैद में रहकर मुझे बीमारी लग गई। तो ये बीमारी लग रही, आने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी नफरत हो गई? मेरी शक्ल तुझे बहुत पसंद थी ना, ले देख। जा जा, मैंने तुझे आजाद किया, जा अपने घर जा। घर? कौन सा घर? वही जो तूने उजाड़ दिया। अरे अरे, कोई है? हाँ है, तेरी मौत। शेर सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में अदालत दफा 307 के तहत इनको 7 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। लेकिन जज साहब, मैं जिस दिन भी जेल से रिहा होंगी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद भाई साहब। राजू जी, जी जी, क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं पिताजी। ये कहां से मिला तुझे? उस आदमी की जेब से गिरा। जाओ उसे वापस करके। क्यों? आप ही ने तो स्कूल में कई दफा कहा था कि जमीन पर से मिली हुई चीज पर हमारा अधिकार है। कहा था बेटे, लेकिन ये नहीं कहा था। मैंने कहा था जमीन से अपनी मेहनत से पैदा की हुई चीज पर। ये चोरी है बेटा, हैं? जाओ, जाओ उसे वापस करके। नहीं। राजू, बटवाला। अरे और चावल की गुनिया आई है कि नहीं? सेठ जी, हमारी बस्ती में घासलेट कब भेजोगे? हमारी बस्ती में कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार ही नहीं होता, जैसे आदमी मिलेगा वैसे ही भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी इंतजाम कर देना। सब अच्छा, लोग अच्छा। लाइन लगा के खड़े हुए। भाई साहब जी, ये बटुआ आपका उधर गिर गया था। शुक्रिया। इस शहर में कोई इतना शरीफ नहीं जो आई हुई लक्ष्मी को वापस लौटा दे। परदेसी लगते हो। हाँ, तकदीर कभी कभी इंसान को अपने ही देश में परदेसी बना दे। कहाँ से आए हो? रायगढ़ से। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, काम और सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा। सुनो, मेरे पास एक काम है, करोगे?
इज्जत का कोई भी काम होगा जरूर करूंगा। इस गाड़ी में घासलेट है, उस पहाड़ी के पीछे भारत नगर है, इसे जाकर बेचो, 10 रुपए मंजूरी दूंगा, मंजूर है? मंजूर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटे, बैठ जा। दादा शमशेर सिंह, पहले कासलेट शेरा दे पुत्र पंजाबियों नु मिलेगा, गड्डी इस पासे ले आ। पहला पुट्टू अन्ना के बस्ती को मिलेगा, दूसरे का बाद में, समझे क्या? ए, किधर लेके जाता है? अच्छा मैंने कहा सुनते हो, जल्दी आओ, घासलेट तो यही मटिया मेल कर देंगे, मद्रासी और पंजाबी खत्म कर देंगे। ए पोचिया, साले, अगर घासलेट कहीं और दिया ना तो धंधे की कसम तेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ दूंगा। सबसे पहले घासलेट गुलाम अली की बस्ती में फटेगा। मोड़ गाड़ी। अरे होती के कुथाए, सुनो तड़तड़ी अशोक केरोसिन आ गया है। अबे घासलेट वाले साले, कोथाई जाचिस बे? हाँ, गाड़ी इधर बिल्कुल, पहले बंगाली बच्चों को मिलेगा। आय सॉरी दिया, चुपचाप ऐसे चले आ। इंगे वाड़ा। खबरदार जो उधर गया। ए घासलेट वाले, पहले बंगाली लोगों को नहीं दिया, तो तुम्हारा साला ये गाड़ी बम लगा कर उड़ा देगा, समझा? अरे बोलो ना इधर आ। इधर आ वरना इसी गाड़ी में घुसेड़ दूंगा। ओए पैन दे टके, यदि तेरा आ जाने तो यही मिट्टी दे तेल में तेरी चिता जला देवांगा। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, कोई बम लगा देगा, कोई कब्र खोद देगा, कोई चिता जला देगा। मैं मिट्टी का तेल बेचने आया हूँ, अपनी मौत खरीदने नहीं आया। एक बस्ती की चार चार बस्तियां बना रखी तुम लोगों ने, अगर तुम चारों एक लाइन से आ जाओ तो। नहीं नहीं, असि चारों कभी लाइन में नहीं आ सकते, बड़े बड़े लीडर मर गए हमको लाइन में लाने के लिए, वो नहीं ला सके तू क्या लाएगा? ठीक है तो फिर दुकान पे आके फैसला कर लेना किसे तेल पहले चाहिए। जाता किधर है, फैसला इधर ही छोएगा। तुम किधर जाना नहीं आए, इधर ही चिटर रहा है, हम अभी आता है। फैसला, अरे खून बहाने से नफरत बढ़ती है, फैसला नहीं होता। पिताजी आपको लगे क्या? नहीं बेटे, तुमने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया, तुम्हारी तो नहीं बेटे, फेंक दे पत्थर, छोड़ दीजिए, मैंने गाना फेंक दे। Thank you.
तुम लोग क्या कर रहे हो? साले फुट! नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों गहरा गांव जो बनता है गोली से, पर वो गांव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से, तो मीठे बोल कहो में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मतलब?
मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। भाई चलो भाइयों, घास लेट लेने की एक लाइन से आ जाओ। क्यों, एक पुलिस किधर से आ गया जी सरदारी? आइए मामा जी, इन चारों में मेरे बाबा को मारा है, मामा जी पकड़ लो इन्हें। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कहाँ इस बच्चे की बातों में आ रहे, इधर बैठे। ये तो घास लेट की लाइन में भीड़ ज्यादा थी, धक्का लग गया, मामूली सी चोट लग गई है। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, दुनिया की भीड़ में अगर गुजरना हो तो ऐसे छोटे मोटे धक्के तो लगते ही रहते हैं, कि नहीं? लेकिन मास्टर जी, आपके सर का घाव तो कुछ और ही बता रहा है। खैर, मैं जानता हूं तुम चारों यहां के गुंडे हो, आए दिन दंगा फसाद करते रहते हो, यहां के तमाम गरीबों को तुमने अपने धौंस में ले रखा है, इनको रहने की जगह देकर इनसे पैसे वसूल करते हो। आज मौका मिला था कि तुम लोगों को बंद कर दूं, लेकिन इस इंसान की शराफत ने तुम लोगों को बचा लिया। याद रखो, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया उस दिन तुम चारों को अंदर कर दूंगा, समझे? सरेंगे सर। समझे। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। अच्छा। अरे हाँ, आपके रहने का कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, मगर हो जाएगा। दीनानाथ जी, आप मेरे भाई जैसे हैं, अगर रहने का कोई इंतजाम नहीं होता तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटे चलो चलो। इसका साला पुलिस में बहुत बट है, अगर मास्टर अपना बस्ती बनाएगा ना तो हम लोग का फायदा चा फायदा जी। अरे हाँ, अन्ना पुट्टू बात बहुत बराबर करता है। ओए बराबर बोलता तो चल के कुकड़ से बात करते हैं। हाँ, चलो। ओ मास्टर, सुना है तुम्हारे पास बंबई में रहने के लिए कोई जगह नहीं? हाँ। तो हमें कहना ऐसी ना कुकड़। मेरा मतलब है मास्टर जी, इतने बड़े भारत नगर में तोड़े रहने के लिए जगह कैसे नहीं हो सकती? लेकिन मेरे पास बंबई में रहने के लिए वो क्या कहते हैं उसे, पगड़ी। हाँ, पगड़ी देने के लिए पैसे नहीं है। अयो तुम ऐसा पगड़ी कौन मांगता जी? क्या ख्याल है बेटे, यहीं रह जा। ताजी, एक ताजी, इन चारों की शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही। बेटा, आदमी की सूरत नहीं सीरत पे जाना चाहिए। ऐसा क्या? देखिए, हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, आप लोगों की भोली वाली सूरत देखकर हमने फैसला किया है कि हम यही रहेंगे। ये रहे कंकर, ये चावल में मिला देना, और ये रहा भूसा, काला रंग देकर चाय की पत्ती बना देना, और ऐसे बनाना के ऊपर वाला भी ना पहचान सके। अरे ऊपर वाला तो सब पहचानता है, उससे कुछ मत छुपाना। तू यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? पतंग फंस गई थी, निकालने आया था, लेकिन अब आप फंस गए। देख, जो यहाँ पे हो रहा है वो किसी को बताना मत है। पिताजी को भी नहीं? अरे पिताजी को बिल्कुल नहीं, उनकी पुलिस में बहुत पहचान है। हाँ वो तो है चाचा जान, ये पतंग फट गई। पतंग फट गई बेटे? तो ये तुम्हारा चाचा काहे के लिए है? नई पतंग ले ले, ले बेटे, मौज कर मौज कर। अब अगले महीने आधा वर्ष है। अगले महीने? इस बैटल हो गया पापा जी। उल्लू दा पट्टा, अरे अभी तक 20 गैलन होना चाहिए था। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। सुगंध यहाँ तक आ रही है। ओए कुकड़ पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? पतंग फंस गई थी, निकालने आया था, लेकिन अब आप फंस गए। देख पुत्र, यहाँ जो हो रहा है ना, किसी को बताना नहीं। पिताजी को भी नहीं? ओए बिल्कुल नहीं, उनकी तो पुलिस में बहुत पहचान है। हाँ वो तो है पापा जी, की पतंग फट गई। बेटे तो क्या हुआ? ये ले, नई पतंग खरीद लेना, ये ले। सत श्री अकाल चाचा जी, अब फिर मिलेंगे अगले महीने। अगले महीने? ओए नमस्कार। की खबर? नमस्कार घोष बाबू। क्या तेरे की आ गया साला,
हर महीने आ जाता है। ये ले तेरा 2 रुपया। अपना हिंदुस्तानी लोग भी कमाल के चीज जी, लेबल देखकर शराब पीता है, पीता हिंदुस्तानी दारू, इंडियन दारू, और मजे लेता है काश दारू का। ये जो पुट्टर ना अपना इस फैक्ट्री का बने ला साबू पाउडर सेंट, इसका स्टैंडर्ड ऐसा चरा तो अपना फैक्ट्री एक दिन बहुत ऊपर जाएगा जी। जितना ऊपर हमें वेलकम। आ गया साला तबले ही अभी। चाचा अपना ये मालूम है तेरा पतंग फट गया। आसमान नीचे आ जाए या जमीन ऊपर चली जाए, धंधे की कसम साले को एक पैसा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे तुम पैसा नहीं देगा, हम तो साले का माथा फोड़ डालेगा अगर पैसा मांगा तो। बिल्कुल। देखो हम बंगाली बच्चा है, अगर गुस्सा चढ़ गया तो उसकी जिंदगी हम खराब कर देंगे, समझे? अरे 2 रुपये से चालू हुआ जी, अभी 500 रुपये मांगते सो। वो सारा हरामी 15 साल पहले इतना सा था चुटंकू, उसी वक्त उसका गर्दन मरोड़ दिया होता ना तो ये दिन देखने को तो नहीं मिलता जी। ठीक है, ठीक है, अगर आज उसको कर्दे पुत्र ने एक पैसा भी मांगा तो मैं उसकी टंग तोड़ दूंगा। टांग हाजिर है। हाँ तो मेरे प्यारे चाचाओं, आपका भतीजा आपके सामने हाजिर। वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आदाब। तो मेरी टांग तोड़ने का प्रोग्राम बना जा रहा था, सोच लीजिए, इधर आपने मेरी टांग तोड़ी, उधर मास्टर जी के सामने मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा। तुम लोगों की सूरतें देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है सच। इसलिए मेरे प्यारे चाचाओं, मैंने आज से यह फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम लोगों से 500-500 रुपए नहीं लूंगा। सच्ची कह रहे हो? सच। हाँ, बल्कि आज से मैं 1000-1000 रुपए लूंगा। 1000? साला भाई, महंगाई का जमाना है, इससे कम में परवरता नहीं है। हाँ मंडिया, ऐसे भी फैसला कर लिया है, क्या से तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे? हाँ, एक पैसा तो मैंने बचपन में नहीं लिया, अब क्या लूंगा? आजकल तो 1000-1000 का मार्केट चल रहा है भाई। खड्डे में गया तेरा मार्केट है। अरे चलो रे इसका बाप के पास, रोज रोज का डरते एक दिन का फैसला कर लेना। अच्छा जी, फैसला करेगा। आओ। हाँ चलो चलो है। आओ 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 बैठो, आप चारों को इकट्ठा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अयो मास्टर जी, बड़े साहब बैठे हैं, हम फिर कभी आते हैं। वेलकम। वो फैसला राजू बेटे, वो फिर कभी? फिर कभी नहीं, अभी। अरे भाई क्या कानाभूसी चल रही है तुम लोगों में। पिताजी, ये लोग बड़े अकड़ कर सीना ठोक कर निकले थे कि आज कहकर ही रहेंगे आपसे, मगर यहाँ आकर के मालूम नहीं क्यों इन सबके मुंह पर ताला लग गया है। क्यों, क्या बात है? बोलो बोलो, डरो नहीं। ए अनपटो, बोलो ना। चाचा जी बोलो ना। तू बोलो। राजू बेटे, वो क्या है पिताजी, आपके स्कूल की खराब हालत देखते हुए ये लोग आपको 500-500 रुपए चंदा देना चाहते हैं। हाँ, चंदा, 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 चंद्रमुखी। अरे वाह, पुण्य का काम, और वो भी शर्माते हुए। बहुत सुधर गए हैं ये लोग, कल तक तो चंदा लेते थे, आज चंदा दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे चाचा, चंदा चंदा। राय जी 500 इंदा। धन्यवाद धन्यवाद, इसकी रिसीप में आपको कॉपी की जरूरत है जी। ये नक वेंडा। अच्छा दासी चल दे। हाँ नमस्ते। अब पिताजी मैं अभी आया। ओ मेरे प्यारे चाचा, एक मिनट। चंदे की बात तो अंदर हो गई, अब जरा धंधे की बात करें। कुकर दे पुत्र, एक दिन तेरा तंदूर सेकंगा मैं। एले तेरी मुट्टल। साले तेरे को ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, ऐसी बद्दुआ लगेगी देख लेना। ए
आधा किलो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें 100 के नोट छापने के लिए कहा था, तुम तो 1000 के नोट छाप रहे हो। जल्दी दौलत कमाकर अमीर बनने का यही एक तरीका है पार्टनर। 100 के 10 नोट मार्केट में बेचने के बजाय 1000 का 1 नोट बेचना बेहतर है। मेहनत कम, दौलत ज्यादा। 1000 के? अरे नहीं, 1000 के लेके मरना है क्या? हाँ, 100-100 के हो तो 10 लाख के भिजवा दे, नहीं तो जयराम जी की। Damn it. कितना टाइम लगा रहे हो एसी ठीक करने में? इसका कॉइल जल गया था साहब, अक्का कॉइल चेंज करना पड़ा, 400 रुपए लगेगा। ये तो बिल्कुल मास्टर जैसा लगता है। क्या वो साहब जस्ती क्या? अरे 350 का तो फैक्ट्री में पड़ता है, 50 रुपए तो अपन को मिलना चाहिए ना। कौन हो तुम? मैकेनिक है साहब, मैकेनिक। तुम्हारा नाम क्या है? टोनी, टोनी। और तुम्हारे माँ बाप? कोई नहीं साहब, अपन का आगे पीछे कोई नहीं, एकदम अकेला है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गोवा। गोवा? गोवा? पन तुम इतना कहाँ पूछता है साहब? ऐसे ही। कितना बिल हुआ तुम्हारा? 400 रुपये साहब। मेरे पास छुट्टा नहीं है, 1000 का नोट है। नो प्रॉब्लम साहब, अपन के पास बहुत छुट्टा है। ये देखो साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लो साहब। ये लो। अच्छा साहब चलता है, टोनी को याद रखना, कभी काम पड़े तो बुला लेना। सलाम साहब। जरूर। ए, इधर आओ। क्या बात है साहब, इतनी जल्दी बुला लिया? ये नकली है। तो ये कौन सा असली? जैसा नोट मिलेगा साहब वैसा छुट्टा देगा, है कि नहीं? कौन हो तुम? अपुन भी नकली नोट का सेल्समैन है साहब। इस लाइन में अपुन का दिमाग बहुत चलता है, पन तुमसे मिलने का चांस नहीं मिला ना, इसीलिए मैकेनिक का ढोंग रचाना पड़ा। एक बार चांस दो ना साहब, साला हीरा के रख देगा। मार्केट में 1000 का नोट चला सकते हो? आप हुकुम करो साहब, नोट तो क्या अपन अखा मार्केट चला डाले। अपन बहुत चालू आदमी है। हाँ हाँ, मेरे साथ। ये 5 लाख रुपए के नोट है, इनका छुट्टा करा लो। ये तो अपन शाम तक करा लाएगा साहब, वरना अपन का कमीशन 10% है। मंजूर है? मंजूर है। हैंड्स अप। बेटे तेरे बचपने की आदत अभी तक गई नहीं, खिलौने की पिस्तौल तक तो बात ठीक थी, लेकिन असली पिस्तौल से मजाक करेगा तो एक दिन गोली चल जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। घबराइए मत पिताजी, मेरे हाथों किसी निर्दोष के नहीं, उन देशद्रोहियों की मौत होगी जो स्मगलिंग, काला बाजारी और नकली नोट छापकर देश को बांस की तरह खोखला कर रहे हैं। साहब बांस की तरह लंबा तो अपन भी है। थैंक यू। जरा ये देखिए, कहीं आपके बाप ने नकली नोट देकर के अपन को भी बांस की तरह खोखला तो नहीं कर दिया है? शट अप। ये इंस्पेक्टर के पिता है, नकली नोट छापने इनका काम नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बुरा मान गए, आपका बाप नहीं करता, किसी का बाप तो करता होगा। नहीं नहीं, जाता है। ओ साहब, वो अपन का 10% वाला बात याद है ना? 10%? हाँ बेटे, वो एयर कंडीशनर रिपेयर करता है ना, उसके कमीशन है 10%। हाँ हाँ, याद रखूंगा। अगर तुम जबान चलाने से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दोगे, 10% के बजाय 15% दूंगा। गेट आउट। थैंक यू। अच्छा बेटे साहब चलता है, 1000 का काम बाकी है। पिताजी आशीर्वाद दीजिए कि नकली नोट छापने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है उसमें कामयाबी हासिल करूं। आशीर्वाद है बेटा कि तुम नकलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाओ। अरे वाह छोटे ठाकुर, क्या जश्न है आप खाकी वर्दी में। पिताजी लगता है आपके होटल में चमचों की कमी है, इसलिए आपने आज तक इस चमचे को पाल रखा है। मुंशी जी। ठाकुर साहब देख लिया आपने, जिस बच्चे को हमने अपनी जान से ज्यादा समझा आज हमें। गांव में मास्टर दीनानाथ को खत्म कर दिया था आपने। मास्टर दीनानाथ? ओहो, अजी बरसों में उसकी हड्डियां तो जल के राख हो गई होंगी सरकार। और वो नया कारोबार जो शुरू किया है मुंशी जी? नया कारोबार? बहुत बढ़िया चल रहा है ठाकुर साहब, अगर यही रफ्तार रही तो साल दो साल में हिंदुस्तान की आधी आबादी बाहर हो जाएगी बाहर। अरे नहीं नहीं पहलवान, इतना मत मारो कि खाली उधर जाए, भारतीय चमड़े की बाहर बहुत खजाना।
और अगर चमड़ी नहीं रही तो दमड़ी कहाँ से मिलेगी? What man? खाली 100 लोग को लाया? अरे साहब ये 100 भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुई है, घर घर जाके झूठ बोला तब इन्हें इकट्ठा किया। धंधा बड़ा खतरनाक है और ये हमारी भारतीय कौम है ना, छी 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 बड़ी जिद्दी है। भूखा मरना इन्हें मंजूर है, लेकिन किसी के हाथों बिकना इन्हें मंजूर नहीं। लेकिन साहब तुम फिक्र मत करो, ऐसा चक्कर चलाऊंगा जान जवान छोकरियां याशी के लिए, अधेड़ उम्र की औरतें गुलामी के लिए, और जवान जवान छोकरे नौकरी के लिए। मैं लाइन लगा दूंगा लाइन, तुम देखते रहना क्या होता है। छी 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 छी, अरे मैं इसे कहाँ भेजना चाहता था, कहाँ पहुंच गई। नसीब की बात है, जिसके नसीब में रोटी खाना होता है ना उसे रोटी मिलती है, और जिसके नसीब में गोली खाना होता है ना उसे गोली मिलती है। के नकली नोटों से 100-100 के असली नोट नहीं मिलते। हथकड़ी में ये पुलिस का हाथ है।
Get up. Come on. Get up. Inspector. Otherwise. उस दिल लड़की का सहारा लेता है। डूबता हुआ इंसान तो तिनके का सहारा लेता है इंस्पेक्टर। ये तो फिर भी लड़की है। बन्या दूल्हे राजा। अरे आप मेरे पीछे पीछे कहां चली आ रही? चलिए भागिए यहां से। चलो बेटी चलो। मुजरिम भाग कर इस तरफ आया है। अगर आपको इतराज न हो तो इन लड़कों की शक्लें देख सकता हूं मैं? इनमें मुजरिम कैसे हो सकता है? ये सब तो शादी के लिए यहाँ आए। वही तो देखना चाहता हूँ, कहीं पुलिस से बचने के लिए उसने सेहरे का सहारा तो नहीं लिया। देख लेने दीजिए, तसल्ली हो जाएगी। आप अपनी शक्ल जरा फिर से दिखाएंगे। आपको तो नहीं, मैं नहीं। आपसे तो पहले मुलाकात हो चुकी है ना? हाँ, पहले हो चुकी है। आप ही नहीं, पहले आपके बाप का एयर कंडीशनर रिपेयर करने आया था ना, याद आया? हाँ। आजकल मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। हाथ और दामन दोनों काले हो जाते थे ना, इसलिए छोड़ दिया। आप क्या करते हो? पापड़ बनाता हूं और सूत करता हूं। आप लोगों को तकलीफ दी उसकी माफी चाहता हूं। नमस्ते पंडित जी, कार्य शुरू कीजिए। ओम मारी ओम मां पति न रोग न सुवा पति न पुआ
साहब आप लोग। अबे हट। ये आप अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हम इन लड़कियों का मुंह देखना चाहते हैं। अरे भाई आप लोग कौन हैं? एक लड़की कैसे भागी है, मुझसे तलाश कर रहे हैं। मगर ये आप कर क्या रहे हैं? हट। ये सब मेरी बेटियां हैं और फेरे के समय कोई बाप अपनी बेटी का चेहरा किसी गैर को नहीं देता और शादी के बाद जब तक उसका पति न कहे वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, समझे? चुप बे, बड़ा आया सिखाने वाला। नहीं, पहले हमें लड़की को ढूंढना है। मान गए आपका, बहुत दम है इन बूढ़ी हड्डियों में। दम हड्डियों का नहीं बेटे, ईमान का है। बैठो बैठो पंडित जी, आराम कीजिए। मेरे पीछे पीछे कहाँ चली आ रही है? हिंदुस्तानी औरत पति के आगे नहीं पीछे चलती है। ए, ये भाषण किसी और को जाके देना, चल अपने घर जा। शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाती है और वही उसका घर होता है। अरे जाना यार, खाली पीली क्यों गले पड़ती है, चल जा। हार ढलवाते वक्त तो गला बड़ी जल्दी आगे किया था, अब कहते हो गले मत पड़। हाँ हाँ, वो सब नाटकबाजी थी, तुम गुंडों से बच रही थी, मैं पुलिस से, उन्हीं से बचने के लिए तो ये ढोंग किया था। ढोंग किया होगा तुमने, मैंने तो शादी की है। अरे अजीब चिटकू लड़की, कुछ समझती नहीं। देख लड़की, मैं बहुत बदमाश आदमी हूँ। चलेगा। देख मैं 50 गुंडों में एक गुंडा हूँ, समझी? तुम 100 गुंडों के एक गुंडे होते तो भी चलेगा। ओफो, अरे मेरे चक्कर में पड़ेगी तो सारी जिंदगी रोती रहेगी। सारी जिंदगी नहीं, आधी जिंदगी। आधी जिंदगी तो उन लोगों के हाथों रो चुकी हूँ, अब तो रोने की आदत पड़ चुकी है, बाकी की जिंदगी में रो लूंगी। बकवास बंद करने तो, एक गुंडा रख के चल फट। तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना, जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घटरा दिखा लो, जाओ जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घटरा दिखा लो।
नहीं कुछ नहीं, जरा सा हाथ मिलाना था आपसे। अच्छा, आपका भी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही बात करनी थी आपसे, एक छोटा सा काम और था। अरे चली जा रही, हो गया ना तेरा काम, अब जाना बाबा घर जा, चल जा। काम का पीछे ही पड़ी हुई। सुनिए, आपने चाय पी? मैडम हमने तो कभी का चाय पिया है। कौन है तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम हम इस होटल का रूम बॉय। मेरे पति कहाँ है? रात को जो भी इस होटल में आता है अपने आप को पति पत्नी कहता है। सवेरा होते ही पति अपने घर चला जाता है और पत्नी अपने घर चली जाती है। आपका पति भी होटल का बिल देकर कब का अपने घर जा चुका है। आप भी जल्दी से चाय पीजिए मैडम और घर जाइए, हमारा दूसरा गिरा खड़ा कब का इंतजार कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। जाता है मैडम, जाता है, गुस्सा काहे को होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी तुम्हारी तरह कहीं से भाग कर आया होगा। ऐसे ही लगता है। क्या जमाना आ गया है बेटी, जिसके साथ कल घर बसाया उसके घर का ही पता नहीं। रो मत बेटी, उसका नाम तो मालूम होगा। नाम भी नहीं मालूम। ठीक है तो अपने घर का पता लिखा दो, जैसे ही मिलेगा हम तुम्हें खबर कर देंगे। मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। अपने सौतेले भाइयों के जुल्म से तंग आकर यहाँ आकर छुपी, और देखिए ना, अनजाने में उसके साथ शादी हो गई। कमाल है। अगर ऐसी बात है बेटी, तुम मेरे साथ चलो। जब तक उसका घर का पता नहीं चल जाता तुम मेरे साथ रहो। आओ, आओ बेटी।
बैठ बैठ राजू। अरे राजू बेटे। जी पिताजी। जरा बाहर आ बेटे, देख एक बेसहारा लड़की को लाया, किसी बदमाश ने इससे शादी की कल और आज छोड़ के चला गया। अजीब जमाना। ये कहां से आ गए? अरे क्या हुआ, बाहर आना। वो क्या है पिताजी, आप तो जानते हैं लड़कियों के सामने मुझे जरा शर्म आती है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बेशर्म को पकड़ के ला मेरे पास। अरे क्या कह रहा हूँ, कुछ सुन भी रहा है? हाँ हाँ पिताजी सुन रहा हूँ। देख बेटी जी। बैठ बैठ। तू फिकर मत कर, जिसे तू बाहर खोकर आई है भगवान ने चाहा वो तुझे यही मिल जाएगा। मेरे स्कूल का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। मेरे बेटे को सब कुछ बता देना, वो तेरी मदद करेगा। अच्छा। राजू मैं चला। अच्छा पिताजी। हाँ तो उसका नाम क्या था? जी नाम तो मैंने नहीं पूछा। वाह नाम नहीं मालूम। पता? पता भी नहीं मालूम। नाम भी नहीं मालूम, पता भी नहीं मालूम, अरे तो ढूंढूंगा कैसे। होलिया तो याद होगा उसका? होलिया जी वो, हाँ वो आपके पिताजी है ना। हाँ? उनके जैसे लंबे हैं। अरे बाप रे, नाम याद नहीं है, पता याद नहीं है, तो होलिया याद रखने की क्या जरूरत है? क्या जी? कुछ 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 नहीं, मेरा मतलब है कि मिला कहाँ था आपको? वो एक जगह बहुत सारी शादियां हो रही थी, वहां मेरा उनके साथ विवाह हो गया। उन्होंने मुझे मेरे बदमाश भाइयों से भी बचाया था। फिर वो खुद मुझसे जान छुड़ाकर भागने लगे। फिर क्या, मैं क्या छोड़ने वाली थी? अरे शादी की है, जिंदगी भर का साथ है, एक दिन की बात थोड़ी है। वो दनादन सीढ़ियों से जो नीचे भागे तो मैं पहले से नीचे खड़ी थी, वो दीवार कूद कर जो उस तरफ भागे मैं पहले से सामने खड़ी थी, वो इधर से तो मैं उधर से, वो उधर से। वो इधर उधर बहुत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे होटल ले गया। अरे तो शादी के बाद लेके गया था ना? नहीं तो क्या, मैं ऐसे जाने वाली थी। तो फिर कोई ऐसा पूछता है क्या? नहीं मेरा मतलब है कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं सुबह उठी ना, वो वहाँ नहीं था, होटल का बिल भी नहीं दिया। अरे वो ऐसे ही चला गया। अरे क्या बात कर रही हो, होटल का बिल तो देके गया था। आपको कैसे मालूम? अरे अपना भी कोई जजमेंट है कि नहीं? कोई इतना कमीना थोड़ी ना हो सकता है कि बीवी को होटल लेके जाओ और बिल ना दे। नहीं नहीं ये तो तुम बंडल मार रहा है। हाँ सिर्फ इसी आइटम में बंडल मारा। मेरी बात मानो, भूल जाओ उसे और किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। क्या बात कर रही है? अरे अरे क्या कर रही है, मैंने कुछ पहना नहीं ऊपर। सॉरी कैसी बातें करते हैं आप, मैं क्या कोई रास्ते की चलती फिरती लड़की हूँ कि एक का हाथ छोड़ा और दूसरे का हाथ पकड़ लिया? अरे मैंने शादी की है, कोई मजाक नहीं किया। ओफो शादी शादी शादी, मैं तो तंग आ गया हूँ शादी से। आप क्यों भड़क रहे हैं, मैं आपके बारे में थोड़ी कह रही हूँ। भड़क नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए आपने तो डायरेक्ट शादी किया ना, कोई प्यार थोड़ी ना किया जो मरी जा रही है उस पर। हम भारत की लड़कियां हैं साहब, कोई विलायत की नहीं कि पहले प्यार किया और बाद में शादी की, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो इसमें है पहले शादी करो उसके बाद प्यार करो। ओफो हर सवाल का जवाब है आपके पास। पर जिससे जिंदगी का सवाल है साहब, बस उसी का जवाब नहीं मिल रहा है। राजू। हाँ आया भाई। देखिए यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए आप जरा अंदर वाले कमरे में बैठ जाइए ना, मैं जरा इंसाफ से मिल के आता हूँ। बैठी बैठी कल सुबह की फ्लाइट नंबर 737 से डॉन आ रहा है, उसे लेने के लिए तुम एयरपोर्ट जाओगे। मैं? आप नहीं चलेंगे? नहीं मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन चुका है, तुम तो जानते हो, अगर कहीं वो एयरपोर्ट पे हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई तो। ओके। और सुनो जी, तुम डॉन को रिसीव करके हीरे उसे ले लेना और हमारे हेलीकॉप्टर तक उसे पहुंचा देना। ओके। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ वी विल बी लैंडिंग एट बॉम्बे एयरपोर्ट। डॉन अब थोड़ी ही देर में बॉम्बे एयरपोर्ट आने वाला है।
क्या हुआ? आप में से कोई डॉक्टर है? आई एम अ डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? हार्ट, दिल का। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पकड़ो। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मैडम टाई खुली। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैडम बॉम्बे एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस के लिए मैसेज भिजवा दीजिए प्लीज। ओके। Make it quick. Come fast. जल्दी करो, जल्दी जल्दी। प्रताप सिंह ने भेजा है डॉन, हीरे लाने के लिए। ये रहा सोना। वेरी गुड, लेकिन वो ये तो एम्बुलेंस में जो लेडी डॉक्टर थी उसके मेडिकल बैग में रह गए। ओह गॉड, कोई बात नहीं, मैं उससे ले लूंगा। कहाँ है साहब? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं मालूम? अब याद आया? बताता हूँ साहब, याद आ गया। बताता हूँ, याद आ गया। बता कहाँ है रे? तो
डॉन ने हीरे डॉक्टर प्रीति के मेडिकल बैग में रखे थे। यस डॉक्टर प्रीति जी, कहिए। पुलिस कहाँ है? ओह क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। क्या बात है? मैं कुछ चोरी का माल तलाश करने आया हूँ। चोरी का माल यहाँ? आप मजाक कर रहे हैं, चोरी का माल चोर बाजार में होता है। जी नहीं, फिलहाल इस घर में है। क्या मतलब? आपका मेडिकल बॉक्स कहाँ है? क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने आपको जबरदस्ती एम्बुलेंस में घसीट लिया था, उसने लाखों रुपए के हीरे आपके मेडिकल बॉक्स में छुपा दिए थे। ओ नो। आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। दिस इज माई मेडिकल बॉक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रीति। यस मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। आपके पास कोई आदमी पुलिस ऑफिसर बन के आया है? बनकर? जी हाँ। क्या उसने आपको आइडेंटिटी कार्ड बताकर आपसे हीरे मांगे हैं? जी हाँ। वो पुलिस ऑफिसर नहीं, स्मगलर है। ओ। उसे हीरे मत दीजिए, उसे बातों में लगा के रखिए। मैं अपने आदमी को भेजता हूँ उसे गिरफ्तार करने के लिए। जी हाँ। सुनिए। हाँ? मुझे हीरे मिल गए। ओ मैं चलता हूं। अरे पिस्तौल है, गोली चल जाएगी। मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मिलिट्री ऑफिसर की बेटी भी हूँ। गोली खिलाना भी जानती हूँ और गोली चलाना भी जानती हूँ। एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने की सजा जानती हैं आप? पुलिस ऑफिसर? हा हा हा, तुम्हारे जैसे नकली पुलिस ऑफिसरों पर गोली चलाने की सजा नहीं, इनाम दिया जाता है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आगे मत बढ़ो वरना गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा सही, ये लो हीरे, ये लो हीरे। अरे आप आ गए? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे वरना गोली चला दूंगी। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दो। नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं देगी? अब बोल, देती है कि नहीं? नहीं दूंगी। देख मुझे दे देने तो गोली चल जाएगी। चल जाएगी तो चल जाने दो, नहीं दूंगी। देख अपने प्यार से कह रहा हूं, दे दे। मत देना, मत देना। कौन है तुम? कौन है हम? हमी को सॉरी। कौन है हम ये देखकर समझ में नहीं आता तुमको? ये वर्दी क्या भाड़े का दिखता तेरे को? अरे हम है इंस्पेक्टर खादम चेंज पोकली पुलिस स्टेशन से। चेंज पोकली पुलिस स्टेशन? वहां का ऑफिसर मैं हूं। ऐसे बाहर आने का नकली कार्ड बना करके, नकली इंस्पेक्टर का ढोंग जमा करके ये भोली भाली लड़कों को लूटता तुम्हारी? लगे इंस्पेक्टर, मिस्टर, तुम्हारा जैसा नकली इंस्पेक्टर बॉम्बे के आधा जेल में भरा हुआ है, अब तुम्हारा बारी है। मैडम, डोंट मूव, डोंट मूव। हीरे कहाँ है? इसके पास। चलो हीरे निकालो। देखो हम बहुत कड़क आदमी हैं, कोई होशियारी नहीं मांगता। हमारा सर फिर गया तो तुमको भी फिरा डालेगा। कम ऑन, पुल इट आउट, पुल इट आउट मैन। थैंक यू। डोंट मूव ना, देना नहीं मैडम। हाँ इंस्पेक्टर साहब। यस आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? गिरफ्तार गिरफ्तार करेंगे। गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, लॉक इट, लॉक इट। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब।
ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना? जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं। क्या याद करेगा जा, तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं। तौबा कर ले फिर ना ऐसा काम करेगा, तौबा कर ले फिर ना ऐसा काम करेगा। रोज सुबह हमको सलाम करेगा, रोज सुबह हमको सलाम करेगा। बात सुन पास पता दस बीस का है तेरे पास क्या, नहीं बाबा नहीं। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। क्या याद करेगा जा, तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। डंडे का मुझे इस्तेमाल आता है, डंडे का मुझे इस्तेमाल आता है। तेरे बाल बच्चों का ख्याल आता है, डंडे का मुझे इस्तेमाल आता है। थाने में जाएगा अंदर हो जाएगा बाहर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। क्या याद करेगा जा, तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। देखो मिस्टर नटवर लाल को, देखो और से देखो मिस्टर नटवर लाल को। आया गया सौ दफा कैसे कोतवाली का भूला तू रास्ता, नहीं बाबा नहीं। आज जल्दी आ जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ आ जा, नहीं बाबा नहीं। अरे सीधी तरह आ जा, नहीं बाबा नहीं। अरे बहुत मार खाएगा, नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं बाबा नहीं।
ये है आपके असली हीरे। लेकिन ये हीरे तुमने हासिल कैसे किए? सर मुझे मालूम था कि वो अपना आदमी जरूर भेजेंगे, इसलिए मैं नकली हीरे अपने साथ लेके गया था जो अब उनके पास है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बता असली हीरे कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर प्रीति के यहाँ मुझे यही हीरे मिले थे। ठीक है, एक बार पहले मैंने तुझे डॉक्टर प्रीति के यहाँ भेजा था इंस्पेक्टर बनाकर हीरो के लिए, और अब मैं डॉक्टर प्रीति के यहाँ तुझे मरीज बनाकर भेजूंगा उसके दवा खाने पर। मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। घूमने दो जब तक ये बता ना दो। मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं मालूम हीरे कहाँ है। टोनी भाग गया। क्या टोनी भाग गया? ढूंढ निकालते हैं, ढूंढ निकालते हैं, कहां तक भागेगा। कमाल दी चीज है, कमाल दी। ओए सदके जावा, इतनी मशहूर नचन वाली हमारी बस्ती में रहती है, और बंगाली बाबू सर पता ही नहीं है। कसम धंधे की एक बार दिल खुश कर दे, तेरे पे सौ सौ के नोट फेंकूंगा। ओ मेरी चंपकली कहाँ चली? अंडी कन्ने, हम भी तो तेरा दीवाना जी, दीवाना का मस्तान बना जी। कहाँ जाती हो रानी जी? ओ मलाई दे डोने हो। चलो। मुंडे बड़ा जोरदार पटाखा उठा के लाया तू। इंगे वाह, अकेला ही चालस मरता है, हमें को भी चालस दो ना जी। चल चल, आज ही हो जाने दे। हैं? अरे तेरे को 500 क्या, 1000 देगा 1000। तू इसे मेरे पास भेज दे, मैं अब भी 5000 दे। अबे शर्मा, तेरी अन्नी हिम्मत के अब तू हम लोगों पे हाथ भी उठाने लगा है? अगर किसी ने इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसकी जबान खींचूंगा। खरंबो, तुम्हारा काय को गर्मी खातर है, ये क्या तुम्हारा रखेल है? ये मेरी बीवी है। ये छोकरी दुनिया के सामने कमर हिलाता है और तू इसे अपना बीवी बनाता है साला। चल गन्ने दे चल। बोल बच्चे, पहले किससे निपटेगा? किसको बेटी? मेरे पति को। राजू, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। वही तो मेरे पति हैं। हाँ आइए ना। क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? ये लोग
इसके बारे में न जाने क्या क्या गंदी बातें कर रहे थे। तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? मैं पूछता हूं, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? जी, ये मेरी पत्नी है। तो आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं तुमने? हर बाप का जिंदगी में एक ही अरमान होता है कि अपने बेटे के सर पर सेहरा देखे, अपनी बहू को डोली में बिठाकर अपने घर लाए। न सेहरा ही देखा, न डोली ही आई, और आज बहू भी मिली तो इस हालत में कि इन लोगों की गंदी गालियों का शिकार हो रही थी। देखो मास्टर, हमको नहीं मालूम था कि यह तुम्हारा बहू है। हम समझा जैसा यह खुद है वैसा ही कोई लड़की को उठा के लाया। जैसा खुद है से क्या मतलब है तुम्हारा? जान दे मास्टर, तू बड़ा भोला भाला शरीफ आदमी है, तेरा पुत्र उल्लू दा पठा, तुझसे सच्चाई सुनी नहीं जाएगी। मैंने सारी जिंदगी सच्चाई का ही सामना किया है, आज वो कौन सा सच है जिसे मैं नहीं सुन सकूंगा, बताओ। मास्टर, ये वो नहीं जो आपको नजर आता है, इसकी असलियत कुछ और ही है। दुनिया के जितने गैर कानूनी काम है वो सब इसी उम्र में कर चुका है। ये काला बजरी जी, नकली नोट छापता है और भी बहुत कुछ करता है, वो सब सुने ना क्या तुम्हें को? राजू, क्या ये सच है? तो ये लोग कौन से धर्मात्मा है? ये तो खुद सब काला बाजारी है, चाबी है, जुआरी है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले लोग हैं। इनके एक एक काले धंधे में जानता हूं जो इनके अपने घरों में चलते हैं। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और, यकीन नहीं आता तो चलिए मैं दिखाता हूं। ये क्या करते हैं मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम क्या करते हो? हर आदमी आपकी तरह महान और मजबूत इरादे वाला नहीं बन सकता। आज की दुनिया में जीना है तो पैसा चाहिए। इस तरह शराफत की चादर ओढ़कर घास फूस के स्कूलों में पढ़ाकर आदमी नाम कमा सकता है, पैसा नहीं। जो लोग पैसा कमाकर अपना ईमान गंवा देते हैं वो दौलत होते हुए भी फकीरों से बदतर है। शराफत की चादर ओढ़ने के लिए शरीर नहीं, एक शरीफ आत्मा चाहिए, जो तुमने दौलत के लालच में बेच दी है, जिसे काला बाजार में भटका दिया है तुमने, नकली नोटों की मशीन में कुचल दिया है। तो क्या हुआ? चुप करो बदतमीज। बस कीजिए पिताजी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, वरना। वरना क्या? मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? बाप का जूता अगर बच्चे के पांव में आ जाए तो फिर वो बच्चा नहीं रह जाता पिताजी। मुझे जाने दो पिताजी। नहीं बेटे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे। वो इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। नकली नोट छापंदा तंदा करता है ओए। बड़ा खतरनाक आदमी है ये। इसने हम शरीफों की बस्ती को खराब करके रखा है। और इन चारों को भी गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। इन सब के गैर कानूनी धंधे इनके घरों में चलते हैं, जो इन्होंने मुझसे भी छुपाए और कानून से भी। अयो मास्टर, हम लोग तुमको इस बस्ती में इसलिए जागा दिया जी, जब तुम इधर ही चलाएगा तो पुलिस इधर नहीं आएगा और तुम ही जाबा को पुलिस के वाले करता जी। देखो जी, साला बेटा तो बेटा, बाप भी एहसान फरामोश निकला। मैं नहीं कर बे मास्टर, ठीक अच्छे हमें फिर आशा आ गए खंत के पूरा फैमिली नहीं एकटे पड़ते होवे। जानतो हमार नाम थु कांतु घोष। आ ठीक है कुक्कड़, आज तसी जाने है, लेकिन जब वापस आवांगे तो तनु तंदूर इतना बाड़े तो साडा नाम भी शमशेर सिंह नेगा। इन सब को अंदर कर लो, चलो। बहुत शरीफ आदमी हो तुम। रुक जा बहू,
जी, आपका बेटा राजू एक्सीडेंट में मारा गया। बहू अंदर और कोई नहीं है। ओए मास्टर, अपने असूलों को जिंदा रख के की मिल गया तुझे? चढ़ा दी ना अपने जवान बेटे की बलि, चढ़ा दी ना, तसल्ली हो गई। निराश मत होइए मास्टर जी, एक्सीडेंट के वक्त पानी का करंट बहुत तेज था, हो सकता है राजू बहकर दूर चला गया हो, हमारी सर्चिंग पार्टी उसे ढूंढ रही है। बेटे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मास्टर दीनानाथ ने इस दुनिया में कोई अच्छा काम किया है तो उसके बदले में मेरे बेटे की जान बचा ले, मेरे बेटे की जान बचा ले प्रभु। कैबिन में ले आ। कोशिश तो तुमने मुझे मारने की बहुत की थी लेकिन नाकाम रहे। ये क्या कर रहे हैं आप? वो नकली सोना हेलीकॉप्टर में बम लगाकर उसे ब्लास्ट करना ताकि लाखों के हीरे तुम मुफ्त में हासिल कर सको। नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये प्रताप सिंह ने किया होगा। मेरी जबान बंद करने के लिए उसने मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। झूठ! मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं आपको मारना चाहता तो उस दिन अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान क्यों बचाता? You're right. Yeah, you're right. देखो प्रताप सिंह और शेर सिंह के लिए हम दोनों मर चुके हैं, अब हम दोनों को दोबारा जिंदा होकर उनका जीना हराम कर देना होगा। मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते, मैं भारत नगर से आप लोगों को ढूंढता हुआ चला रहा हूँ। आप लोगों के पति जेल में है ना? वो वहां बहुत बीमार है, आप लोगों को वहां बुलाया है। मगर आप हैं कौन? जी मैं वहां का वार्डन हूँ। देखिए प्लीज, ज्यादा सोचिए मत, वक्त बहुत कम है, आइए मेरे साथ। वो बहुत बीमार है, आइए 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 आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, सब आराम से। मुनीम, तुमसे कई बार कहा है चमड़ी का ध्यान रखो, अगर चमड़ी निकल गई तो दमड़ी नहीं मिलेगी, दमड़ी नहीं मिलेगी। लो इन चारों को भी फिट कर लो। लेकिन अब की बार नसीब ने पलटा खा लिया, गोलियां तुम लोगों के मुकद्दर में आ गई हैं। अरे मास्टर, तुम अभी जिंदा हो? तुमने तो मुझे ऊपर पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन जब तक ऊपर से बुलावा आता नहीं यहां से कोई जाता नहीं। मास्टर जी संभल के, तुम्हारे हाथ में स्टन गन है, अगर भूल चूक से कहीं चल गई तो कईयों के सर कलम हो जाएंगे। और मास्टर जी आपके हाथ में कलम अच्छी लगती है, दम्बूक नहीं। मुनीम, मैं कलम और बंदूक चलाता हूं दोनों, पढ़ाई के वक्त कलम और देश की खातिर लड़ाई के वक्त बंदूक। आज तुम इस देश की बहू बेटियों को नीलाम करने जा रहे थे तो ये हाथ कलम की जगह बंदूक का इस्तेमाल करें, समझे?
नहीं तो बंदूक की इस कलम से तुम लोगों के सीनों पर मौत का नाम लिख दूंगा। अरे और से बंद कर दिया। हम आपसे बहुत शर्मिंदा है मास्टर जी, हमारे मर्दों ने आपको जान से मार देने की धमकी दी, फिर भी आपने हम सबकी जान बचाई। आपने हम सबको बचा लिया, अगर आप न होते तो ये लोग विदेश ले जाकर हमारी इज्जत नीलाम कर देते। बहनों की इज्जत के लिए तो भाई अपनी जिंदगी नीलाम कर देते हैं। तुमने हमें हार पहना कर हमारा लिंगा टू किया। लिंगा टू? हमारा इज्जत बढ़ाया, इज्जत बढ़ाया। लिंगा टू की क्या बात है, ये तो तुमने हमको हार पहना करके हमारा लिंगा टू किया। जब हम इधर से जाएगा तो हम ये हार तुमको देके तुम्हारा थिंगा टू करेगा। इसमें ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं जरूरत है, इसीलिए तो हम इधर आया है। हरी आप कमल कमल जल्दी से पर्दे बंद करो। फास्ट फास्ट मूव मूव मे बी मूव 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 ऑन मूव ऑन। वो सामने वाला पर्दा बंद करो जल्दी। हरी आज डाल इट Oh no! क्या हुआ? क्या हुआ डॉन? Same old bloody pain man. इन्हें अक्सर गुर्दे का पेन होता है, इसलिए मैं हमेशा इनके साथ रहती हूँ। No no! अगर इंजेक्शन दिया तो हमें नींद आ जाएगा, फिर हम उस bloody bastard प्रताप सिंह से बदला नहीं ले सकेगा। डॉन, प्रताप सिंह से बदला हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। इंजेक्शन पहले ले लो। डॉन, तुम आराम करो, तब तक मैं किसी से मिल के आता हूं। किससे? अपनी बीवी से। वो कैबरे डांसर से? हो सकता है तुम्हारी मौत की खबर सुनकर उसने किसी दूसरे से शादी कर ली हो। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी परख तो मुझे खुद करनी होगी। ये पूजा के फूल कितने के हैं? 1000 रुपया। भाई, किसकी करेगी पूजा? तुम्हें क्या? कैसी वादा करते जी, या चमेली जैसे खूबसूरत चेहरा पे गुलाब जैसे लाल रंग का टीका कोई ना कोई तो लगाएंगे जी, मेरे से लगवा लो ना। Shut up. अम्मा आपको बोले जी। खाना जाता खाना जाता हाय 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 खैची तूने चलती तो मेरे दिल को पीस पीस को काट काट को चलती सलामा। ताने दिने तंदाना 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 ताने दिने तंदाना 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 ताने दिने तंदाना 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 ताने दिने तंदाना तंदाना तंदाना। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। अजी पोटी पटाना है भाई पोटी पटाना है, अजी पोटी पटाना है फकत काम अपन का। हर बार हुआ इश्क में नीलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। ताने दिन तंदाना 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 ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। Thank you.
हाँ छोड़। हाई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता है। क्या बात करता है हट। हाँ, बाता नहीं करते हम हैदराबादी, बाता नहीं करते हम हैदराबादी, हाथा में तेरे जो मेहंदी न लगा दी, तो नाम नहीं लेंगे कभी अपने वतन का, कभी अपने वतन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। तू चीज अजब है तू बाप गजब है, तू चीज अजब है वो बाप गजब है, हंगामा सड़क पर होने का सबब है, हंगामा सड़क पर होने का सबब है। पुलिस को बुलाओ खतरा है अमन का, खतरा है अमन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। खादिम के हाथों से मुंह में डाल को छवाएंगे क्या, हाँ ये पाना में मेरे कलेजे के टुकड़े छुपाई की जगह रखो, छबर 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 के छबर जा। मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर, मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर, घुस कर तेरे दिल में निकलेंगे न बाहिर, घुस कर तेरे दिल में निकलेंगे न बाहिर। चर्चा हो कफन का न चर्चा हो दफन का, चर्चा हो दफन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, अजी पोटी पटाना है भाई पोटी पटाना है, अजी पोटी पटाना है फकत काम अपन का, दरबार हुआ इश्क में नीलाम अपन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। जाने क्या आशिक तू एक बार पकड़े तो छोड़ते नहीं, उठा बोले जाते जालिम हट जा मैं तो मारूंगी, हल्लू हल्लू मार तेरी खल्ला ही मरोड़ जाएगी। तो बस 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 ये रोक दे रोक दे, तू जा तू जा। मैंने परख लिया मेरी आशा बदली नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? भगवान ने मेरा सुहाग लौटा दिया, अब मेरी मांग कैसे उजड़ी रह सकती है? कभी भूल कर भी ऐसा मत करना, सारी दुनिया समझती है कि राजू मर चुका है, तुम्हारी मांग में सिंदूर देखेगी तो उन्हें शक हो जाएगा, दोबारा पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे दुखों में गुजर जाएगी, कभी सुख नहीं मिलेगा? बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, रिश्तेदारों के दुख सहे,
सारी जिंदगी ठोकरें खाई, और अब जब शादी हुई वो भी ऐसे कि पति के होते हुए मांग भरने का अधिकार नहीं है। मांग भरने का अधिकार क्यों नहीं? लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, तुम्हारे सुहाग के खून की लाली ज्यादा अच्छी लगेगी। प्लाजा होटल में रूम 1144 में ठहरा हूं, परसों रात को ठीक 11 बजे वहां पहुंचना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा। ऐसी सूरत, कहीं ये मेरा बेटा? आ,
क्यों रहा है? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस? कोई गैर कानूनी काम किया है क्या? कानून वानून छोड़, कोई पट्टी है तो दे, खून बहुत फैल चुका है। ये ले, हाँ, ये ले, जल्दी से बांध ले। मैं कैसे बांधूं? तू बांध दे। नहीं, मुझे कोड है। मुझे कुछ नहीं होता, चल जल्दी से बांध दे। तुझे कोड लग जाएगा। मैंने कहा ना बांध, मुझे कुछ नहीं होता, चल बांध। नहीं। अरे बांध दे ना माँ, जिद मत कर, बांध। माँ हो ना, इसलिए तो नहीं बांध सकती। हाँ? प्लीज। तेरा नाम क्या है बेटे? राजू। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? यहीं भारत नगर में, लेकिन सिर्फ पिताजी, माँ नहीं है। माँ याद आती है बेटे? हाँ बहुत याद आती है, बचपन में ही माँ की गोद छिन गई थी ना, शायद इसीलिए इतना बदमाश हो। माँ ना सही, पिताजी तो है ना? पिताजी तो हैं, लेकिन माँ माँ होती है ना। क्या चुराया तूने? चोर! अरे बस्ती वाला उठो, मास्टर जी के घर से कुछ चुरा के भाग रही है औरत। बस्ती वाला उठो, ये औरत चोर है, पकड़ो। अरे पकड़ो इसे, ये मास्टर जी के घर से निकली है। जल्दी क्यों नहीं? अरे छोड़ो इसे, इसे तो कोड़ है। मारो इसे, मारो, 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 मारो इसे। क्या बात? मारो, मारो, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोग? मास्टर जी, औरत आपके घर से कुछ चुरा के भागी है। मेरे घर में चोरी करने को ऐसा है ही क्या जो सारी बस्ती एक औरत को मारने चली आई? क्या चुराया तुमने? नजदीक मत आइए, मैं कोड़ी हूँ। हाँ, ये मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? बाजार में तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं मिलने वाली औरत, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती है। मेरे लिए भी इस संसार में इससे ज्यादा कीमती चीज और कोई नहीं है। बरसों बाद पता चला कि मैं सुहागन हूँ, मेरे पति जिंदा है और हाँ,
इसलिए इसलिए मैंने इसे चुराया है। बड़ी नसीब वाली हो कि तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिल गए। काश मेरी जिंदगी में भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया होता। मेरी पत्नी जिसे मैं भी खो चुका हूं, आज खैर जाने दीजिए। अगर इसे पहनकर तुम फिर से सुहागन बन सकती हो तो रख लो इसे, रख लो। अगर आप ही इसे चलो अपने अपने लिखी हुई चिट्ठी यहां ये मेरी मां की चिट्ठी है। आज से 20 साल पहले उसे कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसे यह डर था कि कहीं उसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। शायद किसी दिन किसी मरीज का इलाज करते हुए मुझे वो मिल जाए, इसलिए मैं डॉक्टर बन गई। नहीं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं आइए ना अंदर। देखूं आपको क्या नहीं हुआ? नहीं मुझे हाथ मत लगा बेटी, कहीं ये बीमारी तुझे ना लग जाए। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो इस बीमारी की डॉक्टर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। आप अपना हाथ बताइए। आपको ये बीमारी कब से है माँ जी? जब तू इतनी सी थी। जी मेरा मतलब 20 साल हो गए। 20 साल पहले तू इतनी सी ही तो रही होगी। जी हाँ बेटी। तेरी शादी हो गई? जी नहीं। क्यों, कोई लड़का पसंद नहीं आया? जी नहीं, आज शाम को ही एक लड़का देखने आ रहा है। मैंने नए होटल का प्लान पास कर दिया है, अब उन पे डिपेंडेंट है, वो क्या समझते हैं? मुझे लगता है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मेजर वर्मा की बेटी लंदन से वापस आ गई, और मैं चाहता हूँ कल पुलिस स्टेशन जाने से पहले तुमसे एक नजर देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं शादी की बातचीत कर लेता। जी अच्छा। बेटे ये है मेरी बेटी प्रीति, और ये है। नमस्ते। तुम? जी तुम्हें नहीं जानती हूँ बेटी। हाँ माँ,
ये वही स्मगलर है। क्या बकवास कर रही हूँ? मैं ठीक कर रही हूँ माँ, ये बहुत डेंजरस आदमी है। उस दिन पुलिस वाला बनकर हीरे लेने आया था और आज पुलिस की वर्दी पहनकर मुझे लेने आया है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आगे मत बढ़ना वरना। ये क्या कर रही हो बेटी? कहीं गोली चल गई तो? माँ अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो गोली जरूर चलेगी। आप अभी तक उसे आगे मत बढ़ना, मैं कहती हूँ गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? डैडी, नहीं मम्मी, डैडी, डैडी, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। तू दूसरों का इलाज करती है, पहले अपने दिमाग का इलाज कर। ये ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, इंस्पेक्टर दीपक, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है कर्नल साहब, अगर आपकी बेटी की नजरों में मेरी हैसियत एक चोर की है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नमस्ते। सुनिए सुनिए प्लीज, देखिए एक मिनट रुक जाइए, मैंने अनजाने में आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, पुलिस की नौकरी ऐसी है, वर्दी का मान रखने के लिए कभी कभी अपमान सहना पड़ता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। अगर आप इंस्पेक्टर है तो वो कौन था? वो आपके भाई साहब, अब बहुत जल्द पता लग जाएगा कि वो कौन है। हाँ बेटे आओ। जी मैं वो। प्लीज देखिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, आप बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। आइए बैठिए। हाँ बेटे चलो, अच्छा हुआ ये गलतफहमी तो दूर हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, एक और गलतफहमी ऐसी है जिसे मैं दूर कर देना बेहतर समझता हूं, ताकि तुम्हारे पिताजी ये ना समझें कि मैंने उन्हें धोखे में रखा। बेटे प्रीति मेरी औलाद की तरह है, मेरे खून से बढ़कर है, लेकिन यह मेरी बेटी नहीं, एक बहुत बड़े महान देश प्रेमी की बेटी है। अब कहां है वो? पता नहीं, परसों पहले उनकी पत्नी हमारे पास आई थी और प्रीति को हमारे पास छोड़कर चली गई। वो कहां गई, उसके पिताजी कहां हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें बताइए, हम ढूंढेंगे उन्हें। परसों पहले की बात है बेटे, कौन जाने वो जिंदा हैं भी या नहीं। दीनानाथ जी नाम था उनका। दीनानाथ? कहीं आप मासी दीनानाथ जी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, आप जानते थे उन्हें? जानता हूँ, वो जिंदा है और इसी शहर में है। क्या बात कर रहे? मेरे पिता जिंदा है? कहाँ है वो, कहाँ रहते हैं? भारत नगर। नमस्ते दीनानाथ जी। नमस्ते। नहीं पहचाना? मैं वो मेजर वर्मा। आइए 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 आइए, अंदर आइए। आओ आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ बैठो। ये अचानक इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आ गई? हाँ आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना, इसीलिए आना पड़ा। बेटी की शादी? मेजर साहब, बेटी की विदाई तो उसका बाप करता है, लेकिन ये सौभाग्य मेरे नसीब में कहा। मेरी बेटी को मरे तो 20 साल हो गए, क्यों मजाक करते हैं आप? आपके नसीब ने आपके साथ मजाक किया था मास्टर जी, जो अब तक आपकी औलाद को आपसे दूर रखा, लेकिन आपकी बेटी जिंदा है और आपके सामने बैठी। जी यही आपकी बेटी, आज से 20 साल पहले आपकी पत्नी ने आपकी बेटी को हमारे घर छोड़ दिया। मेरी बेटी, बेटी, मेरी बेटी, आप लोगों को मेरा पता कहां से मालूम पड़ा? दीपक आया था आपकी बेटी का हाथ मांगने, हमने कहा हमने तो सिर्फ इसे पाला है, असल में ये मास्टर दीनानाथ जी की बेटी है। आपका नाम सुनकर इसने बताया कि आप इसी शहर में हैं। बहू जी आओ। बेटी ये तुम्हारी भाभी है, और बहू ये मेरी बेटी है जो बरसों बाद आज मुझे मिली। क्या? जा भाभी से मिलो, जा। भाभी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भैया कहाँ है? बेटी
वो इस दुनिया में अब... नहीं मास्टर जी, आपका बेटा आपकी बेटी की तरह बिल्कुल इसी दुनिया में है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, मैंने उसे इसी घर में देखा है आपकी बहू के साथ। बहू, क्या ये सच है? जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर ये कुछ नहीं जानती तो पूछिए इनसे। राजू अगर जिंदा नहीं है तो इन्होंने अपने माथे के इस घाव को भरने क्यों नहीं दिया? क्यों इसे अपने सुहाग की निशानी बना रखा है? इंस्पेक्टर, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन यकीन मानिए, अगर वो वापस आया तो उस पर सबसे पहला हक मेरा नहीं, कानून का हुक्म। हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। हमने डॉन को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो पुलिस को खबर करने जा रहा हूँ, तुम चलते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। शेर सिंह, ये फोन पे क्या बकवास कर रहे थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? डॉन, तुम? हेलो, बकवास ये नहीं कर रहा था, बकवास इससे हम करवा रहे थे। लेकिन वो ब्लडी बास्टर्ड, एक तो नकली सोना दिया और दूसरे हेलीकॉप्टर में बम लगाकर हमारे पूरे सोने का इंतजाम कर दिया था। ऐसा ब्लडी बास्टर्ड, ब्लडी फूल, व्हाट इज दिस? ये क्या किया तुमने? कम क्लीन इट, साफ करो, साफ करो। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इतना चमकाओ कि तुम्हारी सूरत इस नजर नहीं जाएगी। कम यू बास्टर्ड, चुप चुप बगैर। 25 लाख रुपया हमने शेर सिंह से ले लिया है, बाकी का 25 लाख रुपया जल्दी निकालो। कम ऑन डॉन, इतनी बड़ी रकम इतनी कम मोहलत में कैसे ला सकता हूँ? थोड़ी मोहलत और दे दीजिए शाम तक। अगर शाम तक इंतजाम ना हुआ तो हम इनका पूरा इंतजाम करके जाएंगे। ओके, चलिए। प्रताप, 25 लाख रुपए शाम तक आएगा कहां से? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने उसके जूते के नीचे ट्रांसमीटर लगा दिया। अरे मगर उससे क्या होता है? वक्त आने पे मालूम पड़ जाएगा। चलो चलो। चलना जरा उस टैक्सी के पीछे। यस, मेरे पति राजू ने मुझे यहां बुलाया है। अच्छा, आइए। अरे आशा, तुम आ गई। मगर पिताजी पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए हैं। पिताजी यहां? अरे बाप रे, अब क्या होगा? फाइल नंबर 23 हेड ऑफिस पहुंचा दूंगा, मैं कल सुबह के देखूंगा उसको। हां, बहू। पिताजी। अरे बेटी, तुम? आप? नमस्ते मास्टर जी, आइए बैठिए ना। बेटा, मैं प्लीज आइए ना। तुम लोग यहां कब आए? हां, बस अभी थोड़ी देर हुई। अच्छा, ¶¶
मस्ती में हम वाले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सारे और उसकी शक्ल मास्टर दीनानाथ कौन है? इसका मतलब है मुनीम ने झूठ बोला, मुझे झूठ बोला। मुनीम तुमने हमसे झूठ बोला, मास्टर दीनानाथ जिंदा है। जी Good show. Thank you. Congratulations. Thank you. Are you office me? Let's have a drink and collect your check. Huh? Yeah, da 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 da. Obrigado. Sorry. My compliments to you. That was a very nice show. Ah, obrigado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Yes. Yeah, baby. Thank you. Bye-bye. Thank you. आप लोगों का पब्लिक शो तो बड़ा हिट था, लेकिन प्राइवेट शो में वो बात नहीं बनी। तुम क्या बोलता? हम नहीं समझता। समझ में आ जाएगा। देखिए ना, इतना अच्छा गेटअप, कितनी मेहनत की होगी, और ये सब कुछ एक जरा सी बात के लिए मार खा गया। एक दूसरे की तरफ नहीं, अपने राइट जूते के नीचे देखिए मिस्टर डॉन। यू बास्केट, होल्ड इट। तुमने अपने अच्छे भले जूते को जरूरत से ज्यादा चमकाने की कोशिश की थी ना, शक्ल दिखनी चाहिए, क्यों मिस्टर? मैं भी यही चाहता हूं राजू, असली सूरत दिखनी चाहिए। अब जब तक मेरा आदमी तुम्हारे कमरे से रुपए लेके नहीं आता, तुम लोग मेरे मेहमान हो।
सिंह। तेरे बेटे ने मुझे देख लिया है, वो मेरा पीछा कर रहा है। यू ब्लडी इडियट, आने की क्या जरूरत थी? कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। सब? सब नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ एक मारा जाएगा। कौन? Get up, you son of a bitch. तुम भी उठो, उठो। इस नाटक का पहला सीन था और दूसरा सीन ये। बहुत अच्छा हुआ तू वक्त पे आ गया, वरना वो निग्रो बना हुआ राजू है ना, वो मुझे जान से मार डालता। और ये दूसरा निग्रो जो है वो, ये सब मुझे बात बताना, पहले मुझे राजू को पकड़ना है। अच्छा चलो। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूं बेटा, लेकिन तुम कानून से भागे हुए हो। पिताजी। इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम। सॉरी, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। ये क्या जिद लगा रखी है तुमने, कोई खाना ही नहीं खा रहा है? अरे भाई, तुम्हारे खाना ना खाने से राजू वापस लौट कर आ जाएगा क्या? जब तक वो इस घर में नहीं आएंगे, मुझे अपने सुहाग की कसम, मेरे लिए एक दाना भी हराम है। ओ, क्या कह रही हो तुम? वापस लौटने कसम, जानती हो तुम्हारी इस हालत में भूखा रहना अच्छा नहीं? क्या हो जाएगा मेरे भूखे रहने से? मेरी गोद उजड़ जाएगी ना। आपका पोता जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया, उसकी बहुत परवाह है आपको, और वो औलाद जो अभी जिंदा है उसकी जरा भी परवाह नहीं है आपको। बेटी, मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं कि मुझे अपने बेटे की जुदाई का कोई गम नहीं है। मुझे आपकी ये खामोशी मेरे पति को फांसी के फंदे तक ले जाएगी। उनकी बेगुनाही का सबूत आप पेश करेंगे। जिस तरह हर जुर्म का एक दाग होता है, उसी तरह बेगुनाही का एक सबूत भी होता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत होना चाहिए। मुझे बताओ, मैं जाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर वो सबूत लेकर आऊंगा। मुझे बताओ बेटे। नहीं पिताजी, सबूत हासिल करने आपको नहीं, मुझे जाना होगा, इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया है जहां आप नहीं जा सकते। अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां से निकल सकूं तो। पिताजी, मेरी मदद करेंगे आप? 24 घंटे के लिए आप अपना ये रूप मुझे उधार दे सकते हैं? मेरा रूप? हाँ, मगर कैसे? ये देखिए, आपकी कसम पिताजी, अगर मुझे सबूत ना मिला तो 24 घंटे के अंदर मैं यहां वापस आ जाऊंगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, शेर सिंह का खून मैंने किया है, और जिसे आपने गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप जानती हैं आपका यह बयान आपको फांसी के तख्ते पर ले जा सकता है? हाँ, जानती हूँ, और वही बयान एक बेगुनाह को बचा भी तो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं उस बेगुनाह से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ? लेकिन मैं आपको मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
ठीक है। राम सिंह जी साहब, इनको 14 नंबर के सेल में ले जाओ। सुनिए जी, मिल लिया आपने? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। एक महान बाप का बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। सुनो, ये झूठे इल्जाम मुझे अपने सर ले लेने दो। बरसों पहले मैंने इस शैतान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। इस बार बहुत आसानी से इल्जाम मेरे सर पर लग सकता है। अब मेरा जीना ना जीना, बस सुहागन होकर भी मैं अपने पति के सामने नहीं जा सकती, सिर्फ दूर से उन्हें देख सकती हूँ। कोड़ी हूँ ना, सुहागन होकर ऐसे जिंदगी जीने से सुहागन मर जाना अच्छा। अपना ना सही, अपने परिवार के लिए तो सोचो। तुम नहीं जानते, बहू ने खाना तक छोड़ दिया है और मत छुइए, मुझे कोड़ है। भारती, तुम्हारे लिए तुम्हें मौत भी ले सकता हूं। कोड़ क्या चीज है? उस रात मंगलसूत्र लेने तुम आई थी ना? हाँ। भारती, कहां चली गई थी तुम? कहां चली गई थी? नहीं भारती, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा भारती। ये कैसी मुलाकात है भारती? खुशी की एक झलक दिखा के मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा भारती। भारती, 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 कैसा कैदखाना है इंस्पेक्टर साहब? कैसा कैदखाना है? हथकड़ी लगाकर आपका कानून शरीर को इस चार दीवारी के अंदर बंद कर सकता है। अरे, है कोई ऐसी हथकड़ी जो मेरी पत्नी की आत्मा को लगाकर रोक सके? है कोई ऐसी हथकड़ी जो मेरी पत्नी एक बार वो मास्टर दीना नाथ मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उसका बेटा खुद ब खुद खींचा चला आएगा। जाओ भारत नगर जाओ, मास्टर दीना नाथ को उठा के लेके आओ, जाओ। नहीं, चलो अपने लिए ना सही, अपने शरीर के अंदर जिस नई आत्मा को तुमने जन्म दिया है उसकी खातिर खा लो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब तक राजू वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये बात है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा राजू। जाओ जाके देखो कौन है।
माँ बनने वाली है, ऊपर से चोट लग गई बेचारी को। साला बुड्ढा होकर जवानों जैसा नखरे करता है। अबे ओ साला कुत्ता बच्चा, बंगाली चेला अभी जिंदा है? घोष बाबू, मास्टर जी को लेकर किधर जाता है? सीधी तरह हट जाओ वरना तेरा टुकड़ा कर देंगे। क्या बंगाली का बच्चा है? नेताजी सुभाष चंद्र बसु का मिट्टी में जन्म लिया है। टुकड़ा हो जाएगा मगर हर टुकड़ा में से आवाज आएगा वंदे मातरम। अरे कुत्तियो, आज तक कोई दुश्मन सरहद पार करके अंदर नहीं आ पाया, और अगर अंदर आया भी तो फिर बाहर वापस नहीं जा पाया। शमशेर सिंह, ओए साडे अंदर तुसे लोग मास्टर जी नो कैसे ले जा सकते हो? चढ़ा दे ऊपर। ओए आजा। किधर लेकर जाता है हमारे मास्टर को? है इधर अली का गुलाम गुलाम अली खड़ा है, आगे बढ़ेगा ना तो नली तोड़ देगा। या अली जब अपना पंजाबी बंगाली मुसलमान भाई ने नहीं जाने दिया तो ये मद्रासी पुट्टो ने तुमको किधर से जाने देगा? नहीं
निकल बाहर। कौन दुश्मन की नली? अरे माफ करा, हम अचारों के होते हैं, ये भाड़े का कुत्ता लोग तुम्हें को कैसे ले जाएंगे जी? क्या जरूरत थी तुम लोगों को मेरे लिए अपना खून बहाने? और तुम्हें क्या जरूरत थी मास्टर, अपनी जान पर खेलकर हमारा बीवी को बचाने की? हाँ मास्टर, तुमने हमारी बीवियों को ही नहीं हमारे ईमान को भी बचाया है, वरना हम खुदा को क्या जवाब देते? मास्टर, सरदार दी गर्दन एक तक चुकदी नहीं, और अगर चुक दिए तो सिर्फ वाहेगुरु दे अग्गे। आज एक सरदार दी गर्दन तेरे अग्गे चुक गई मास्टर, और सौ कड़े दी तो इंसान नहीं रब दा बंदा है, कुकड़ तो रब दा बंदा है। राजू, ये तुझे नहीं तेरे इस रूप के आगे अपना सर झुका रहे हैं जो तूने उधार लिया है। इस रूप की इज्जत रखना राजू, इज्जत रखना। मास्टर, आप लोगों के मनोरंजन में बाधा डाली, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कमाल है, मास्टरी भी करते हो और स्टंटबाजी भी। ठाकुर प्रताप सिंह, तुमने मेरे पीछे कुछ कुत्ते भेजे थे, उन्हें उठाकर लाया हूं इस गाड़ी में। लगता है तुम्हें हड्डियां ठीक से खिलाते नहीं हो, बहुत कमजोर हैं बेचारे। अब खिलाऊंगा मास्टर, तुम दोनों बाप बेटों की हड्डियां तोड़ तोड़ के खिलाऊंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? तुम्हारे बेटे राजू का। इंतजार की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर, बाप बेटे दोनों इस जमीन के ऊपर और इस छत के नीचे मौजूद हैं। तुम्हें किससे मिलना? मास्टर दीनानाथ से या उनके बेटे राजू से? किल हिम। तुमने मेरी बीवी और बेटी को मुझसे अलग कर दिया, आज उसी तरह तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को तुझसे अलग कर दूंगा। इन्हीं हाथों ने मेरे घर को तोड़ा था ना, आज इन्हें भी टूट जाने देगा। रहम रहम मास्टर, रहम करूं तुझ पर,
जिसके कारण मेरी बीवी 20 साल कोड़ी की जिंदगी जीती रही। प्रेम करूं तुझ पर? माफ कर दे, माफ कर दे मास्टर। माफी मांगू सौरत से, माफी मांगू सौरत से जो सुहागन होते हुए भी अपने पति को पति न कह सकी, अपनी औलाद को अपने सीने से न लगा सकी। रहम की भीख जाकर मांग उस देवी से जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बस बस मास्टर, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ मास्टर, मुझे जाने दे। मैं माफी मांगता हूँ तुझसे, मैं मुझे माफ कर दे। मैं उस देवी का वास्ता देता हूँ तुझे, मुझे जाने दे। जिसकी जिंदगी में तूने जहर खोला, जिसकी मौत का जिम्मेदार तू है, आज उसी देवी का वास्ता देकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। लानत है तुझ पर। पिताजी, हैंड्स अप पिताजी। ये तो तू बचपन से बोलता है मुझे। पिताजी ये क्या किया आपने? पिताजी गुनहगार मैं हूं, गोली मुझे लगनी चाहिए थी, मुझे मर जाने दिया होता पिताजी। नहीं बेटा, बाप की अर्थी बेटे के कंधे पे जाया करती है, बेटे की अर्थी बाप के कंधे पे नहीं। पिताजी सारी जिंदगी मैं बाप की पट्टी आंखों पर बांध कर भटकता रहा, आज जब मैं गुनाहों को छोड़कर आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं तो आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हैं पिताजी। जा कौन रहा है पगले, मेरा तो सिर्फ ये शरीर जा रहा है, आत्मा तो मैं तुझे देख जा रहा हूं। मेरा बेटा जो बरसों से गुमराही के अंधेरे में खो गया था, आज मुझे सच्चाई के उजाले में फिर मिल गया है। मास्टर जी, बेटे मेरे राजू जैसे हजारों लाखों भटके इंसान इस दुनिया में हैं, उन्हें उन्हें रास्ते पे लाना। राजू तुम्हारी मां तो कोढ़ से मर गई बेटे, मगर इस भारत मां को कोढ़ मत होने देना। इसके सीने पर कोढ़ फैलाने वाले वतन फरोशों को खत्म कर देना उन वतन फरोशों को। पिताजी, हे राम। पिताजी मुबारक हो बेटी, लड़का हुआ है। पांच साल की कैद के बाद आज नया राजू भारत नगर फिर आ रहा है। यही तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी पिताजी, वनकम। तनु देखकर तेरे पिताजी की याद आती है, को कर दे पुत्र। खुश बाबा। खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो। बचपन में एक बार मैंने भी ऐसे ही किसी का पर्स उठाया था, वो कदम मुझे कहां से कहां ले गया। आज मेरा बेटा भी। अंकिल आपका पर्स गिर गया था। शाबाश बेटे। पिताजी,
कौन कहता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं? देश प्रेमी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं। आपने आज फिर से जन्म लिया है मेरे ही घर में। ये देखिए मेरे देश प्रेमियों,